इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वही दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वीसपोर्टइंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों की सूची पर बीजेपी में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, प्रदेश अध्यक्ष के घर पर पथराव किया गया है। राजस्थान बीजेपी के अंदर बगावत का सिलसिला जारी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के द्वारा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी किए जाने के बाद पार्टी में बवाल हो गया है। विरोध में कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर हंगामा किया है। इसी कड़ी में जहां पर बताते चले, राजसमंद में पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, वहीं चित्तौड़गढ़ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पथराव किया गया है। इस दौरान यहां पर बीजेपी के कई नेताओं का पुतला भी फूंका गया है बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की तरफ से। यानी कि देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे के बीच में यहां पर हड़कंप मचा है राजस्थान में। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 5 राज्यों में वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है ईवीएम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से किया है बड़ा अनुरोध। क्या कुछ है पूरी खबर बताते चलें। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से किया है वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को देने का अनुरोध। राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को दी जाए। दिग्विजय सिंह ने उच्चतम न्यायालय से भी इस विषय को गंभीरता से लेने की गुजारिश की है। बताते चले यहां पर आप लोगों को, दिग्विजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स पर कहा है कि माननीय चुनाव आयोग, यहां पर आपसे एक ही गुजारिश है कि वीवीपैट स्लिप यहां पर मतदाताओं को दी जाए और बाद में यहां पर मतदाता उसको एक अलग मतपेटी में डाल दें और जब वोटों की गिनती की जाए तब यहां पर उन पर्चियों की काउंटिंग की जाए और ईवीएम में कैद वोटों की गिनती की जाए ताकि कोई चुनावी नतीजों पर किसी भी प्रकार का सवाल ही खड़ा ना कर सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी यही प्रार्थना है कि इसे गंभीरता से लें, देश में लोकतंत्र को बचाइए। ये यहां पर पूरी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। घबराई हुई है बीजेपी, सभी 5 राज्यों में होगी भाजपा की करारी हार। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है सामने निकल के। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी घबराई हुई है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर के किए गए सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो बातें गंभीर नहीं है उस पर कोई टिप्पणी करने का मतलब ही नहीं है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा का चुनाव होना है वहां पर भाजपा की करारी हार होने जा रही है। इसके साथ ही आप लोगों को यह भी बताते चले कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को जल्द ही मिल सकता है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने यहां पर इशारा कर दिया है कि वे अब केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं। यानी कि तेजस्वी यादव को वे यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। कई मौकों पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी तक बता चुके हैं और अब माना जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। यह यहां पर बड़ी खबर आई है दोस्तों। अपनी राय भी खबर को लेकर के बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री, लखनऊ की सड़कों पर लगे हैं पोस्टर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों चर्चा में लगातार बने हुए हैं, खास तौर पर इंडिया गठबंधन में उनके टशन को लेकर के। जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ में सीट बंटवारे पर वह दो दो हाथ करने पर उतर आए, लेकिन यहां पर
उनका कहना है कि उनको कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से फोन किया गया, जिसके बाद अब यहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, हमें कांग्रेस की बात माननी पड़ेगी। ये अखिलेश यादव का कहना था। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव का लखनऊ में एक पोस्टर देखा गया है, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। बताते चले आप लोगों को, अखिलेश यादव भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनको काफ़ी खुशी होगी अगर कोई उत्तर प्रदेश का नेता प्रधानमंत्री बनता है। ये यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों के अनुसार इंडिया गठबंधन की तरफ से किस नेता को यहाँ पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। खबर बताते चलें आप लोगों को, यहां पर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। केजरीवाल ने कहा है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पर कई बार रेड हो चुकी है, इनको एक चवन्नी तक नहीं मिली है। ये लोग बस बदले के तहत कार्रवाई करते हैं, लेकिन इनके दोस्त के ऊपर एक भी रेड नहीं हुई है, जबकि उनके ऊपर ढेरों आरोप लग चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है उनके मित्रों पर। केजरीवाल का सीधा इशारा अडानी की तरफ ही था। इसके साथ ही केजरीवाल ने आगे कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार बस समय ही बर्बाद करती है। विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने में भाजपा सरकार लगी हुई है, लेकिन अब इनको सत्ता से हटना ही होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। ये यहाँ पर केजरीवाल का बड़ा बयान आया है। अगर आप लोग केजरीवाल के बयान से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट बताते चलें। आंकड़े नहीं पीएम झूठ बोलते हैं, कांग्रेस बोली मोदी सरकार में अमीर मालामाल हुए, गरीबों की आय कम हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अमीरों और मध्यम वर्ग के बीच में खाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वित्त वर्ष 2019 से 2022 के दौरान सबसे अमीर लोगों की आय में जहां इजाफा हुआ, तो वहीं मध्यम वर्ग की लोगों की आय यहां पर घट गई है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार लगातार झूठे यहां पर बयान जारी करती है, झूठे आंकड़े पेश करती है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बेनकाब किया है भाजपा सरकार को। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।